Hello, my dear students. This is Swati Chavla. Welcome to my series for CBSE Class 12 Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss the various terminologies related to the internet working. These are the various terms which we will discuss in the video. Web server, web hosting, www, telnet, web 2.0, DHTML, web portal, web browser and URL. So let's start. First www आपने अब तक सबने सुना होगा, ठीक है? It stands for World Wide Web and this is the term coined by the person Tim Berners-Lee. This is the name of a person who has developed this term www. इसका मतलब है बेटा इंटरनेट पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, millions of computers, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी ना किसी सर्वर पर स्टोर हैं. That the collection of documents, ठीक है, this is called the www. It is a collection of linked documents or pages stored on the millions of computers across the internet. With the help of www only, आप किसी भी document को access कर सकते हो with the help of the address of that web page. These are the various attributes of www. फर्स्ट वन इज द यूजर फ्रेंडली, दैट मीन्स कि मैं किसी भी इंटरनेट ब्राउजर पर मैं www के जो रिसोर्सेज है मेरे उसको मैं इजीली एक्सेस कर सकती हूँ. सेकेंड एट्रीब्यूट इज मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स. जहां पर भी आपकी टर्म मल्टीमीडिया आ जाए दैट मीन्स वी आर हैविंग द कनेक्शन ऑफ ऑडियो फाइल्स, वीडियोस, टेक्स्ट एंड एनिमेशन. So in www also we are having multimedia documents, hyperlinks and hypertext. Hypertext is the text written on the web page and hyperlinking means the link from one web page to another web page. Even it can be in the same web page also, but the linking between the web pages or within the web pages is called hyperlinking. Next attribute is interactive. अब www मेरा जो है वो इंटरेक्टिव कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक एंड विद द हेल्प ऑफ इनपुट बॉक्सेस आल्सो. इंक्लूड फ्रेम्स. फ्रेम्स मींस कि सपोज आई एम हैविंग वन वेबसाइट, उस वेबसाइट को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उन पार्ट्स को आप कह सकते हो फ्रेम. सपोज दिस इज द हॉरिजॉन्टल और या जो मेरी हेडिंग्स लिखी हुई है एट्रीब्यूट्स और उसके एक्सप्लेनेशन, ठीक है, दीज आर माई टू सेपरेट फ्रेम्स. तो अब इसमें क्या होगा कि मीन्स मैं इस सिंगल वेब पेज पर कंट्रोल कर सकती हूँ, उसको स्क्रॉल कर सकती हूँ जो मेरा दूसरे फ्रेम पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. मीन्स मैं इंडिपेंडेंटली किसी एक फ्रेम पर वर्क कर सकती हूँ. डिस्प्ले ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंटली कंट्रोलेबल सेक्शन ऑन अ सिंगल वेब पेज. नेक्स्ट इज टेलनेट. टेलनेट मीन्स कि आप किसी भी रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो, उसके रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो. इट इज एन इंटरनेट फैसिलिटी दैट अलाउज यू टू लॉग ऑन टू अ रिमोट कंप्यूटर सिस्टम. इसमें आपका एनी डेस्क हो सकता है, टीम व्यूअर इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर विच यू कैन यूज टू एक्सेस द रिमोट कंप्यूटर. नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू एक्सेस द वेबसाइट. हम सब अपना कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, सपोज आई वॉन्ट टू ओपन google.com और CBSE वेबसाइट, उसके लिए मुझे कोई ना कोई एक अपना वेब ब्राउजर ओपन करना पड़ता है. सो एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर्स आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और इट कैन बी योर नेटस्केप नेविगेटर, एप्पल सफारी. ऑल दीज आर योर एग्जाम्पल्स ऑफ वेब ब्राउजर. इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू एक्सेस एनी वेबसाइट ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम. नेक्स्ट इज द वेब सर्वर. वेब सर्वर इज नथिंग बट अ पावरफुल कंप्यूटर जिसकी आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है काफी हाई होती है और सारा का सारा डेटा मेरा कहाँ पर स्टोर होता है, सर्वर पे. बेसिकली इन इंटरनेट वी आर हैविंग द क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन. क्लाइंट सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड सर्वर इन रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट. नेक्स्ट इज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL. जो भी हम वेबसाइट पर कोई भी वेब पेज ओपन करें, कोई वेबसाइट ओपन करें, उसका हर एक का एक सेपरेट एड्रेस होता है.
और दैट एड्रेस ऑफ एनी वेबसाइट और वेब पेज इज कॉल्ड द URL. ठीक है, इसका जो आपका सिंटेक्स होगा URL लुक्स लाइक दिस. फर्स्ट आपका क्या होगा, टाइप. टाइप मीन्स कि आप कौन से टाइप का सर्वर यूज कर रहे हैं, आपकी फाइल कहाँ पर है. बाय डिफॉल्ट द टाइप इज HTTP प्रोटोकॉल. हियर यू हैव टू टाइप द एड्रेस ऑफ द सर्वर एंड हियर द पाथ ऑफ द लोकेशन ऑफ द फाइल इन द सर्वर. सपोज मैंने बेटा कोई वेबसाइट ओपन करी, लेट सपोज cbse.nic.in, तो टाइप में क्या आ जाएगा, http://cbse.nic.in वो उसका एड्रेस हो जाएगा. पाथ मीन्स अब मैं अगर सपोज उसके करिकुलम या कोई और एकेडमिक वेबसाइट को अगर विजिट कर रही हूँ, उसको लोकेट कर रही हूँ, तो उस फाइल का जो पर्टिकुलर एड्रेस होगा सर्वर पर, दैट विल बी डिस्प्लेड हियर ओनली. नेक्स्ट इज द डोमेन नेम. जो भी हमारे डोमेन नेम्स होते हैं सारे इस कैटेगरीज में है बेटा. .com, .edu जैसे हम लिखते हैं, com फॉर कमर्शियल पर्पसेस, edu फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, mil फॉर मिलिट्री, NET for network resources, TV for television, BIZ for business, ORG for organization, GOV for government. इस तरीके से आपकी यहाँ सारे ये हमारे domain names होते हैं. Web page. अब web page क्या होता है बेटा, आप internet पर कुछ भी search करो, जो भी आपका page open होता है, that page is known as the web page. A single page in a website is called the web page. Next, website. A collection of related web pages is called the website. जो भी हमारे काफी सारे collection है, suppose if I am talking about the CBSE website or your school website, तो school website में जितने भी web pages होंगे, that will be related to your school only. ऐसा नहीं होगा कि किसी और school के कुछ web pages आपके school की website में है, unless and until वो आपके कुछ उनमें कुछ connection हो या related हो. तो a collection of related web pages is called the वेबसाइट. नेक्स्ट इज द होम पेज. होम पेज कौन सा होगा, जो भी आप कोई वेबसाइट ओपन करो उसका जो फर्स्ट पेज होता है, द फर्स्ट पेज विच इज ओपन इन अ वेबसाइट इज कॉल्ड एज इट्स होम पेज. नेक्स्ट इज द वेब पोर्टल. वेब पोर्टल इज अ वेबसाइट विच होस्ट अदर वेबसाइट, मीन्स इट इज हैविंग द लिंक ऑफ अदर वेबसाइट ऑल्सो. सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द google.com और yahoo.com, these are all your web portal. When we search on this, so we will get the link of other websites also. Next is web hosting. अब now let's suppose मैंने अपनी website complete जो है prepare कर ली, ready कर ली, अब मुझे उसको server पर भी host करना है, तो the process of hosting the website on a server is called the web hosting. It is a way of hosting a server application on your computer system through which the contents are readily available to any web browser. अगर आपने कोई खुद की वेबसाइट बनाई है, जब तक हम उसको होस्ट नहीं कर देते, सर्वर पर कोई उसको प्लेस नहीं दे देते, होस्ट नहीं कर देते, तब तक आप कोई और वेब ब्राउजर पर या कोई और लोकेशन से हम उसको चेक नहीं कर सकते. बेसिकली द वेब होस्ट अलाउज द कस्टमर्स टू प्लेस द वेब डॉक्यूमेंट्स, और वो आपके वेब डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, इट कैन बी योर HTML पेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियोस, कोई भी मल्टीमीडिया फाइल, टू अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड अ वेब सर्वर. वी आर हैविंग फोर मेन टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग: फ्री होस्टिंग, वर्चुअल और शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग एंड कोलोकेशन होस्टिंग. फर्स्ट वन इज द फ्री होस्टिंग. नेम से ही क्लियर है, द होस्टिंग यूजिंग दिस टाइप विल बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. आप इसमें अपने कुछ वेब पेजेस जो हैं फ्री में होस्ट कर सकते हो, बट एज दिस इज द फ्री होस्टिंग, तो इसमें जो सर्विसेज होंगे दैट विल बी लिमिटेड. और दीज आर द नेम ऑफ सर्टेन वेबसाइट्स, जियोसिटीज, ट्राइपोड, होमस्टेड, विच प्रोवाइड फ्री होस्टिंग टू यू. और इसमें आपका अगर सपोज मैंने कोई वेबसाइट अभी खुद से एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया है, या मुझे कोई वेबसाइट लॉन्च करनी है, उससे पहले मैं फ्री होस्ट ले लेती हूँ कि हाउ डज इट लुक. ठीक है, कि अगर मैं उसको होस्ट करूँ तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे. तो फ्री होस्टिंग जनरली हम तब यूज करते हैं अगर आप कोई स्मॉल स्केल पर बिजनेस कर रहे हो या कोई खुद का पर्सनल बिजनेस है. नेक्स्ट इज माई वर्चुअल और शेयर्ड होस्टिंग. अब शेयर्ड का मीन्स क्या है, कोई चीज शेयर करना. ठीक है, तो इन दिस शेयर्ड होस्टिंग एक ही सर्वर जो है काफी
उस एक सर्वर को काफी सारी वेबसाइट के ऑनर्स जो उसको शेयर करेंगे। अब अगर मैं एक ही सर्वर को शेयर कर रही हूँ, मैं भी प्लस अदर वेबसाइट ऑनर्स ऑल्सो, तो सर्वर के जो रिसोर्सेज हैं दैट ऑल्सो वी हैव टू शेयर। उससे आपका क्या होगा, जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली लोगे, पर स्पीड पर भी आपको इसका इफेक्ट पड़ेगा। दिस इंक्लूड्स द शेयरिंग द फिजिकल सर्वर एंड द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस विद इन द सर्वर। उस सर्वर के अंदर जो मेरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं दैट ऑल्सो वी हैव टू शेयर। और इसकी जो कॉस्ट होगी वो अफोर्डेबल होगी बिकॉज वी आर शेयरिंग द रिसोर्सेज बिटवीन द ऑनर्स एंड अदर वेबसाइट्स। नेक्स्ट इज डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग में क्या होगा कि जो एंटायर वेब सर्वर है वो आप तरीके से एक लीज पर या कह सकते हो रेंट पर आप उसको ले लोगे, ठीक है। द कंपनी विशिंग टू गो ऑनलाइन रेंट्स द एंटायर वेब सर्वर फ्रॉम अ होस्टिंग कंपनी। उस होस्टिंग कंपनी से हम एक एंटायर वेब सर्वर एज अ रेंट आप कह सकते हो उसको हम ले लेते हैं। दिस इज सुटेबल फॉर कंपनीज होस्टिंग लार्जर वेबसाइट्स। अगर मुझे कोई लार्ज वेबसाइट होस्ट करनी है, उसको लॉन्च करना है, सो फॉर दैट वी कैन यूज द डेडिकेटेड होस्टिंग। इसमें आपकी जो स्पीड है वो फास्ट होगी बिकॉज मुझे कहीं पर रिसोर्सेज को शेयर नहीं करना। दिस ऑल्सो मीन्स दैट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट ऑफ सर्वर ऑपरेशन एंटायरली एंड दिस इज अ गुड चॉइस फॉर वेबसाइट्स दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। या अगर आपको कहीं पर सिक्योरिटी चाहिए तो वी कैन गो फॉर द डेडिकेटेड होस्टिंग। लास्ट इसमें को लोकेशन होस्टिंग। इसमें क्या होगा, जो कंप्लीट सर्वर है हम उसको अपना परचेज कर लेंगे, वो फुली डेडिकेटेड होगा हमारे लिए। उसमें जो भी ऑपरेशंस होंगी या उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दैट विल मीन्स वो हमारी कंप्लीट खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और इसका मेन एडवांटेज क्या रहेगा, अब हमने सर्वर को परचेज कर लिया है तो उस पर हमारा फुल कंट्रोल होगा। नेक्स्ट इज वेब 2.0। इसका आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब 2.0 एंड वेब 2.0 इज अ न्यू फीचर ऑफ वेब एप्लीकेशन। इसमें आपका क्या होता है, जो हमारा वेब है मींस वर्ल्ड वाइड वेब, उसको हमने कैसे इंटरेक्टिव बनाया है, कैसे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को हम इजिली शेयर कर सकते हैं, वो सब आता है। एग्जाम्पल यू कैन टेक इट एज योर यूट्यूब, ट्विटर, माई स्पेस, फेसबुक। These are the main characteristics of Web 2.0. It makes the web more interactive through online social media. Online social media की help से हमारा जो web है वो काफी interactive हुआ है। हम easily information को exchange कर सकते हैं और video sharing भी हमारी possible हुई है। Next is HTML. It is basically a basic language to write the web document. जो आपके web pages होते हैं उसमें जो भी हम डॉक्यूमेंट्स, जो वेब पेजेस को हम लिखते हैं किसी एक लैंग्वेज में, उसके लिए जो बेसिक लैंग्वेज यूज होती है दैट इज HTML. नेक्स्ट इज XML, स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML में हमारे पास प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं बट इन XML वी कैन डिफाइन आवर ओन टैग्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज DHTML, इट स्टैंड्स फॉर डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डायनेमिक मीन्स जो चीज चेंज होती रहती है, एक तो हमारी होती है स्टेटिक वेबसाइट्स जो आपकी फिक्स रहती हैं, और एक DHTML जो आपकी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। नाउ सपोज अगर मैं कोई शेयर मार्केट या कोई भी अपना जो रेट्स होते हैं सेंसेक्स का मुझे चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास DHTML की वेबसाइट्स होती हैं। या अगर किसी वेबसाइट पर टाइम शो हो रहा है वो आपका जब भी आप ओपन करोगे वो हमेशा चेंज हो जाएगा, तो दिस इज माई DHTML वेबसाइट्स जो डायनामिक होती है, जिनका कंटेंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। यू कैन थिंक ऑफ दिस एज एन एग्जांपल ऑफ न्यूज वेबसाइट्स आल्सो। न्यूज वेबसाइट्स में क्या होता है कि आपकी जो करंटली न्यूज है, सपोज एकदम से कोई ब्रेकिंग न्यूज आई तो वो आपकी चेंज हो जाएगी। तो जहां पर जिस वेबसाइट पर मेरा कंटेंट चेंज होता रहता है दैट इज मीन्स वो हमारी कौन सी वेबसाइट्स हैं या कौन सा उस लैंग्वेज में है, DHTML में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप you have understood all these concepts. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying. Thank you.